आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में हम आप सभी को जो है उत्पादक स्वयं सहायता समूह के बारे में बताएंगे। दीदी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हर ब्लॉक में गठित होगा किसान उत्पादक स्वयं सहायता समूह। तो दीदी, उत्पादक स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, किसान उत्पादक स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है, उत्पादक समूह से स्वयं सहायता समूह की किसान महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो दीदी, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दीदी, जानकारी के लिए हम आप सबको बता दें, कल ही मैंने ये एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार उत्पादक समूहों को 30 करोड़ का सपोर्ट फंड देने जा रही है 2023-24 के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, उत्पादक स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा और उत्पादक स्वयं सहायता समूह जो है आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। तो दीदी, उत्पादक समूह किसे कहते हैं, इससे स्वयं सहायता समूह की किसान महिलाओं को कैसे लाभ मिलेगा, वीडियो में आप सबको बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे दीदी आप सब देख सकते हैं, हर ब्लॉक में गठित होगा किसान उत्पादक समूह। तो देखिए, किसानों की आय बढ़ाने को अब हर ब्लॉक में किसान उत्पादक समूह का गठन किया जाएगा। योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार काम शुरू कर दिया गया है, जल्द ही FPO गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, किसान उत्पादक समूह यानी किसान उत्पादक संगठन किसे कहते हैं, क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO कुछ और नहीं बल्कि किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह है, जहाँ किसान ही किसान की मदद करते हैं। इन किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवा, मशीनरी, पॉली हाउस, कृषि तकनीकी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसान का मनोबल बढ़े और वो खेती में बिना किसी अड़चन के बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो दीदी, कोरोना महामारी के समय जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उस समय किसान उत्पादन संगठनों के सहयोग से हजारों लाखों किसानों ने फसलों के बेहतर दाम हासिल किए। आपदा के दौर में भी खेती किसानी को जारी रखा। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों की ताकत को परखा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को हरी झंडी दिखाई। कि कैसे काम करते हैं किसान उत्पादन संगठन, जैसा कि नाम से ही साफ है कि किसान उत्पादन संगठन पूरी तरह से किसानों का संगठन होता है। इन संगठनों में सदस्य किसान एक दूसरे की मदद का जिम्मा उठाते हैं। हर एक किसान उत्पादक संगठन में कम से कम 11 किसानों का होना अनिवार्य है। इन संगठनों में हर तबके का किसान होता है। यहाँ आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के किसान भी सदस्य बन सकते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह में जो भी दीदियाँ जुड़ी हैं, समूह से जुड़कर जो भी दीदियाँ कृषि कार्य कर रही हैं, उन्हीं दीदियों को जो है किसान उत्पादक स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा जा रहा है। उन्हीं महिलाओं का किसान उत्पादक समूह बनाया जा रहा है और अन्य महिलाएं भी जुड़ सकती हैं इस किसान उत्पादक संगठन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल समूह की ही महिलाएं जुड़ सकती हैं, अन्य महिलाएं भी जुड़ सकती हैं। लघु और सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों को भी सदस्यता दी जाती है। ये FPO अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग आदि का सुविधा मुहैया करवाते हैं, ताकि किसान को इधर उधर चक्कर लगाना ना पड़े। इन किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर खुद का एग्री बिजनेस या कस्टम हायरिंग सेंटर भी चालू कर सकते हैं। इन संगठनों में शामिल किसानों को आवश्यकता पड़ने पर आदानों और सेवाओं को रियायती खर्च में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे खेती की लागत कम होती है और किसान को सही मुनाफा कमाने में भी आसानी रहती है। उसके बाद ये जो उत्पादक समूह बनाए जाते हैं, इस उत्पादक समूहों को और विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट फंड भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सरकार दे रही है 15 लाख रुपए सपोर्ट फंड के रूप में। तो केंद्र सरकार की ओर से किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसान उत्पादन संगठन योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत आवेदन करने पर 3 साल तक किसानों के हित में काम करने वाले किसान उत्पादक संगठन को 15 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए
लिए पहाड़ी इलाकों में कार्यरत किसान उत्पादक संगठनों में 100 किसान और मैदानी इलाके वाले किसान उत्पादक संगठनों में कम से कम 300 किसानों का होना अनिवार्य है। आवेदन के बाद नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज लगातार एफपीओ के कामकाज की निगरानी करती हैं और इन एफपीओ को रेटिंग देती हैं। अच्छी रेटिंग वाले किसान उत्पादक संगठनों के नाम आगे भेजे जाते हैं और इन्हें ही 15 लाख रुपए की सहायता राशि का लाभ मिलता है। तो दीदी, उत्पादक समूहों को सरकार की तरफ से सहायता राशि भी दी जाती है, सपोर्ट फंड भी दिया जाता है। जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है, उसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है उत्पादक समूहों के लिए। उत्पादक स्वयं सहायता समूहों को विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उत्पादक समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। तो दीदी, अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम लोग भी उत्पादक समूह में जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े हैं? क्योंकि दीदी, बहुत ऐसी पंचायतें हैं जहां पर अभी तक उत्पादक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं। दीदी, हमारे यहां तो बन चुके हैं और कुछ समूहों के खाते भी खुल चुके हैं, लेकिन अभी सपोर्ट फंड का पैसा नहीं आया है। अब सरकार ने बजट जारी कर दिया है तो बहुत जल्द जो है सपोर्ट फंड का भी पैसा उत्पादक समूह में आ जाएगा। तो दीदी, बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अभी हमारे यहाँ उत्पादक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं, हम लोग जो है कैसे उत्पादक स्वयं सहायता समूह बनाएं, कैसे इसमें जुड़े? तो दीदी देखिए, उत्पादक स्वयं सहायता समूह का गठन ब्लॉक मिशन मैनेजर भैया के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद जो आपके ग्राम पंचायत में कृषि सखी, आजीविका सखी है या उद्योग सखी है, इन्हीं दीदियों के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में उत्पादक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। जब ब्लॉक से आदेश मिल जाएगा तो आपके भी पंचायत में आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्योग सखी, उत्पादक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर देंगी, ठीक है? उत्पादक स्वयं सहायता समूहों को भी सरकार की तरफ से सपोर्ट फंड मिलेगा, उसका भी कार्यालय होगा और इसमें दीदियां जो है लेन देन भी करेंगी कृषि कार्य के लिए, उनको पैसा भी दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आप सबको बताया, आपके उत्पादक को अच्छी मार्केटिंग दी जाएगी और कृषि कार्य करने के लिए मशीनरी यंत्र भी दिया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं स्वयं सहायता समूह की किसान महिलाओं को मिलेगी जब दीदियां उत्पादक स्वयं सहायता समूह का गठन कर लेंगी। दीदी, उत्पादक समूह इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से उत्पादक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा, इसी प्रकार से उत्पादक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लाभ मिलेगा। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।